सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला में। किसान भाइयों, अभी अगस्त का शुरुआत है और अगस्त के शुरुआत में जो है बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इस बार उत्तर भारत में जो है बारिश लेट स्टार्ट हुई है और इससे धान के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। बहुत सारे किसान भाइयों ने धान की खेती इस बार नहीं की है, लेकिन सब्जी वर्गीय जो किसान भाई हैं, जब बारिश नहीं हो रही थी तो उनके सब्जी का रेट बहुत कम था। आज किसान भाइयों, बारिश शुरू हो गई है और सब्जी का रेट बढ़ गया है। जो एक किसान भाई लौकी का प्लाट लगाए हैं, इनसे हमारी दो तीन बार मुलाकात हुई, लेकिन जब लौकी का रेट बहुत कम था तो उस समय जो है हमारी बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये बहुत दुख में चल रहे थे। अभी आज क्या है कि लौकी का रेट अच्छा है, 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक आसानी से बिक जा रही है किलो, तो बड़ा अच्छा रेट है। और रोज़ डेली अभी किसान से मेरी बात हुई तो रोज़ डेली जो है 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल लौकी टूट रही है। और आपको बता दें कि ये जो खेत का एरिया है वो 1/4 एकड़ है। 1/4 एकड़ का मतलब होता है किसान भाइयों की, अगर रोज डेली 2000 रुपये उसमें से 2500 रुपये मिल रहे हैं और अगर वो 2 महीने तक मिल जाए तो बहुत अच्छी खासी रकम तैयार होती है। लौकी की बात करते हैं तो जब इन्होंने लौकी लगाया था तो गेहूं काट के लौकी लगाया था, और गेहूं काट के लौकी लगाने का किसान भाइयों मतलब ये होता है कि उस समय लगभग अप्रैल का लास्ट महीना चल रहा था, यानी कि मई में इन्होंने लौकी लगाया था, मई जून जुलाई अगस्त। आज जो है लगभग 3.5 महीना हो गया है और लौकी का बहुत अच्छा रेट आ रहा है, और लौकी का रेट आता ही आता है किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाइयों का मेरे पास अनुभव है, हमने भी लौकी की खेती किया है, लौकी का रेट आता है बरसात में, और जो किसान भाई लौकी की खेती करते हैं वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसमें लगता क्या है, इसमें बांस लगता है, हर पेड़ के पास आपको बांस लगाना पड़ेगा। उसके बाद किसान भाइयों, बांस लगाने के साथ साथ आपको जो है इसमें झालर बनानी पड़ेगी और उसमें तार लगाना पड़ेगा और प्लास्टिक की रस्सी लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप लगा के लौकी खेती कर सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी आपको लौकी खेती में हम देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा रोग तो बैंगन में लगता है जो हमने किया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगता है, लेकिन इसमें भी दवा आपको डालनी पड़ेगी कि जिससे कि ये सूखे ना, ये लौकी टेढ़ी ना हो और चमकदार रहे, इसके लिए आपको दवा डालनी पड़ेगी। ज़मीन में भी लौकी के पौधों को आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो एक बात कहने की बात थी किसान भाइयों की, लौकी खेती अच्छी खेती है, आप लौकी खेती कर सकते हैं, और बरसात की लौकी जो है अच्छा रेट देती है। अभी ये अक्टूबर तक चल सकती है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जितना ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा इसकी रेट बढ़ी, बारिश कम होगी सूखा पड़ेगा, सारी सब्जियों का रेट घट जाएगा। तो किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। आने वाले समय में इसका हम गहनता से आप तक सारी जानकारी पहुंचाएंगे कि कौन सा बीज आप बोएं, आप जो है कौन सी दवाओं का प्रयोग करें, किस प्रकार से आप झालर बनाएं, ये सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक